हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 6.2। 6.2 के टोटल आपके तीन क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर। हमने जितने भी नंबर नीचे दिए गए हमने उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, सम ऑफ कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर। ऑड नंबर कौन से थे, जैसे 1, 3, 5, 7, ठीक है, ये नंबर ऑड नंबर होते हैं। और कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 1 के बाद 3 लिखना है, 3 के बाद हमने 5 लिखना है, इस तरीके से ऑड नंबर लिखनी है, मतलब लगातार जो चलती जाएंगे, ठीक है। उनका इसमें जो नंबर दिया गया, नीचे नंबर हमें कौन सा दिया गया, 7 का क्यूब, तो इसको हमने ऑड कंसेक्यूटिव नंबर को प्लस करते जाना है और हमने इसका क्यूब फाइंड करना है, इस तरीके से। अब 7 की पावर, यहाँ पर हमारे पास 7 का क्यूब है, ठीक है, 7 की पावर 3 है, तो इसमें क्या है, इसमें हमें एक पैटर्न फॉलो करेंगे जिस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाए, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता है कि कौन से नंबर को हम प्लस करें, कि एक कंसेक्यूटिव नंबर को प्लस करें कि इसका क्यूब आ जाए, ठीक है। तो अभी हम ऐसे तो है नहीं कि हम पहले 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इधर करके देखेंगे फिर चेक करेंगे कि ऐसे नंबर आ रहे, नो, ठीक है। आप हम यहाँ पर पैटर्न कौन सा सॉल्व करेंगे, देखो 7 से पहले कौन सा नंबर आता है, तो 7 से पहले आता है 6, तो 7 को मल्टीप्लाई करो 6 से, 6 7 42, तो यहां पर हमारे पास 42 आ गया। अब 42 हमारे पास क्या है, इवन नंबर, हमें चाहिए ऑड नंबर, तो इसमें हम कर देंगे 1 प्लस, ये कितना बन गया अभी 43। तो यहां पर हम जो ऑड नंबर है वो 43 से स्टार्ट करेंगे, यहां पर 7 का क्यूब लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 43 और यहां पर प्लस का साइन लिखना है, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ का बनाना है 43। और नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आएगा, 44 छोड़ देना है, 45 एक एक नंबर छोड़ देना है, ठीक है, 47, इस तरीके से आपने नंबर लिखने हैं। और टोटल नंबर लिखने कितने हैं हमने, 7। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर नंबर उतार दिए हैं, और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर मतलब लगातार चलते जा रही है, ये नहीं कहीं कभी हमने 43 ले लिया फिर 47 लिया, नो, हमने 43 के बाद हमने 45 लिखा, ये कंसेक्यूटिव होता है लगातार जो चलते जा रहे हैं, इनका सम, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तक हमने लिखना है, तो 7 का क्यूब बन जाएगा अगर इन ऑड नंबर को प्लस करोगे, आप प्लस करके चेक करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है 8 का क्यूब है, तो 8 के बिफोर कौन सा आता है, 8 के बिफोर आता है 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 8 7 56, तो हमारे हम 1 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57। अब हम ये नंबर कहां से स्टार्ट करेंगे, 57 से, तो प्लस करेंगे 58 में, नेक्स्ट आएगा 59। तो यहाँ पर हमने सभी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर उतार लिए, देखो 8 है तो वहां का काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये वाला 8 नंबर हो चुके हैं, यहाँ पर हमें इसका ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब कैसे आएगा, 9 के बिफोर कौन सा नंबर आता है, 9 के बिफोर आता है 8, 8 72 ऑड नंबर है, इसमें हम 1 प्लस करेंगे तो ये बन गया हमारे पास 73। तो फर्स्ट जो हमारा नंबर ऑड कौन सा होगा, 73 के बाद हमने 9 ऑड नंबर नेक्स्ट आगे के लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी नंबर उतार दिए, ये टोटल 9 है, आप काउंट भी कर सकते हो, यस देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 कंसेक्यूटिव नंबर है, इनको अगर आप प्लस करोगे तो ये 9 का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। मतलब 9 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 9 का क्यूब कैसे सॉल्व होता है, इस तरीके से अगर हम इसको 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 9 को जो आंसर आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितना इसका सम करोगे उसके इक्वल में आ जाएगा ये वाला। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीट होता है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग सुटेबल पैटर्न। इसमें हमने ये वाला देखो, 12 का क्यूब माइनस 11 का क्यूब, इसको हमने सॉल्व करना है। अभी यहाँ पर हमें ये ऐसे कैसे सॉल्व हो सकता है, वैसे तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 12 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे, फिर 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, इस तरीके से भी कर सकते हैं, मगर हमें यहाँ पर बताया गया कि यूजिंग सुटेबल पैटर्न, कोई पैटर्न का यूज करके हमने इसको सॉल्व करना है। आपको बुक में एक पैटर्न दिया गया है, आपकी बुक में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बुक में आपके पेज नंबर 120 में आपको एक पैटर्न दिया गया है, इसको सॉल्व, इसमें देखो दो नंबर दिए गए हैं, कौन से नंबर हैं, जैसे 1, 2, इस तरीके से नंबर दिए गए हमें, ठीक है। तो 2 के यहाँ पर फर्स्ट वाला चेक करते हैं हम, 2 का स्क्वायर है माइनस में, सॉरी 2 का क्यूब है माइनस में 1 का क्यूब है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन में दिया कि सेम एज इट इज है। तो इसमें देखो ये वाला हमने पैटर्न देखो ध्यान से, तो इसमें सिमिलर क्या है, इसमें सिमिलर है कि सभी के यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आगे ये वाले नंबर दे दिए गए हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखो, अभी आपने यहाँ पर जो आंसर किया उसमें ध्यान दो, ठीक है, यहाँ तक की वाली वैल्यू में, यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा नंबर है वो कितना है 1 है, और लास्ट नंबर है हमारे पास 3, ये किसी भी पैटर्न में चेंज नहीं हुआ, पहले 1 प्लस है, नेक्स्ट लास्ट में 3 मल्टीप्लाई में है, और नंबर जो अंदर वाले नंबर है ना वो यही नंबर है 2 मल्टीप्लाई में 1,
यहाँ पर थ्री और टू का क्यूब का करना था माइनस करके, यहाँ देखो थ्री मल्टीप्लाई में टू, यहाँ पर फोर थ्री है, यहाँ पर फोर मल्टीप्लाई में थ्री, ठीक है। जो नंबर्स हमें क्वेश्चन में दिए गए उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, वन प्लस करना है स्टार्टिंग में और मल्टीप्लाई करना है हमने थ्री को। तो सेम पैटर्न का हम यूज करके हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर नॉर्मल हमें दिया होता है, अगर सॉल्व द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग लिखा होता तो हम किसी भी तरीके से कर सकते, मगर अगर हमने सुटेबल पैटर्न बोल दिया पैटर्न का यूज करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। अब 12 का क्यूब है तो यहाँ पर लिखो, सबसे पहले हमने क्या कहा था, वन प्लस ये था, लास्ट में क्या सेम था, सिमिलर था, वो था हमारे पास मल्टीप्लाई में थ्री। नेक्स्ट में क्या था, नेक्स्ट था 12 और 11, जो भी हमें क्वेश्चन में देगा उनको आपस में मल्टीप्लाई था, इस तरीके से था। यहाँ नेक्स्ट करेंगे हम वन प्लस, अभी हम मल्टीप्लाई पहले क्या करेंगे, इस वाली 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप तीनों को जैसे मर्जी कर सकते हो आप मल्टीप्लाई, आपको जिस तरीके से इजी लगता है, मगर मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अगर हम 12 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 132, और 132 को हमने किसके मल्टीप्लाई करना है, थ्री से। 1 प्लस, अब 132 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आता है 396। 1 में 396 प्लस किया, 396 में 1 प्लस किया तो 397 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है, क्लियर। अभी अब देखो यहाँ पर मैंने ये 1 प्लस लास्ट में क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो एक मेथड होता है ना बॉन्ड मास, उसके अकॉर्डिंग हम इस पैटर्न को, सभी पैटर्न को हम, मैं जो सॉल्व करना था, अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ हमें आ जाए तो हमने किस तरीके से सॉल्व करना था, सबसे पहले हमने ब्रैकेट ऑफ करनी होती है, अगर हमें कोई भी चीज में ब्रैकेट हो तो उसे को ब्रैकेट ऑफ करना है। नेक्स्ट हमने करना होता है डिविजन, अगर हमें डिवाइड का कोई भी हमें सामने होता तो डिवाइड करना है, फिर हमने करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट करना है हमने एड, फिर सब्ट्रैक्ट, इस तरीके से इस पैटर्न से ही हम सम को सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए हमने पहले मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऐड से पहले आता है ना, तो मल्टीप्लाई हमने पहले की और ऐड उसके बाद में की, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 20 का क्यूब माइनस 19 का क्यूब, तो सेम पैटर्न, वन पहले लिखना, वन प्लस मल्टीप्लाई में थ्री, ठीक है। और सेंटर में कौन सी लिखनी है, वैल्यूज जो हमें दी गई है क्वेश्चन में, 20 मल्टीप्लाई में 19, ठीक है। वन प्लस, अब 20 में हम 19 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है मल्टीप्लाई में थ्री। अब 1 प्लस 380 में 3 प्लस किया तो आता है 1140। अब 1140 में 1 प्लस करते तो हमारे पास आता है 1141। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट सेम एज इट इज करेंगे, 1 प्लस मल्टीप्लाई में 3, और सेंटर में कौन सी वैल्यू जो हमें रकम में दी गई है, 51 में, अब मल्टीप्लाई में 51 मल्टीप्लाई में 50। अब यहाँ पर 1 प्लस 51 में 50 प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 2550। उसको मल्टीप्लाई थ्री करेंगे। नेक्स्ट देखो, वन प्लस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आता है 7650। अब इनमें से वन प्लस करते हैं, 7651 हमारा आंसर आता है, क्लियर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। इसमें हमने परफेक्ट क्यूब फाइंड करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है भी या नहीं। पीछे हमने फिफ्थ चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि परफेक्ट स्क्वायर पता किया था। परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता करते हैं, हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करते हैं, प्राइम फैक्टर बनाते हैं, उसमें उनमें हम डबल डबल पेयर, डबल डबल का पेयर, ठीक है, ले लेते, दो दो का पेयर बना लेते। इसमें हमने क्यूब करना है तो हमने तीन तीन का पेयर बनाना है, क्लियर। तो यहाँ पर हम 225 के यहाँ पर पहले फैक्टर बनाएंगे, तो 225 लास्ट डिजिट हमारे पास 5 है, ये जहां तो 3 पर जाएगा जहां 5 पर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पे करके देते हो तो 75 पे जाता है, देन 25 थ्री जा होता है 75। यहाँ पर देखो 5 लास्ट में है, ये 3 के टेबल में 25 नहीं आता, ये 5 के टेबल में आता है 5, ठीक है। 5 5 जा 25, देन 5 1 5। तो यहाँ पर इसमें फैक्टर क्या है, यहाँ पर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ क्या है इसके, 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5। तो दो दो के फैक्टर बनते हैं, तो ये वाला परफेक्ट क्यूब नहीं है यहाँ पर हम स्टेटमेंट। तो लास्ट में हमने ऐसे मेंशन करना है फैक्टर्स ऑफ 225 के ये फैक्टर्स हैं, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 225 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इन ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स मतलब क्या होता है, तीन तीन का ग्रुप नहीं है, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। जहां आप डायरेक्ट भी अगर आपने देखना है तो फैक्टर्स बनाओ और यहाँ पर ग्रुपिंग कर दो और लास्ट में ले दो, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, अगर आप रीजन बताओगे तो आपका आंसर ज्यादा जो है वो क्लियर होता है, ठीक है। सेकेंड हम करते हैं,
नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट 10,648, ये 2 के जाएगा। 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4 और 4 2 8, यहाँ पर ये बन जाता है। तो यहाँ पर अभी जहाँ देखे जाएगा 2 2 4, यहाँ पर 6 4 6 2 12, यहाँ पर आ जाएगा 6 2 12, 2 2 4, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 2 1 2, यहाँ पर ये 1331 हमारा यहाँ पर 11 पर जाता है सीधा। आप करके देख सकते हैं ये वाला हम 11 के टेबल में जाएगा 121 पर, ठीक है। अब हमें पता है 11 11 जा क्या होता है 121, देन 11 1 जा 11, क्लियर। अभी यहाँ पर हम लिखेंगे इसके फैक्टर, यहाँ पर हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 10,648 के क्या है। तो 3 टाइम हमारे पास 2 है और 11 भी हमारे पास 3 टाइम है। तो यहाँ पर देखो ये वाले ग्रुप बन गए, तो लास्ट में यहाँ पर हम लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10,648 कैन बी ग्रुप्ड इन ट्रिपलेट्स। यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं लिखना तो ग्रुप्ड इन 3 भी लिख सकते हो। अगर ये इसके ग्रुप 3 है तो ये क्या बन चुके हैं, इट इज अ परफेक्ट क्यूब। सो क्या है, तो लास्ट में मेंशन कर देंगे हेंस इट इज अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि तीन तीन के ग्रुप बन चुके हैं। नाउ थर्ड पार्ट है 1125, ठीक है 1125। तो यहाँ पर इसके पहले फैक्टर बनाएंगे 1125, ठीक है। तो 1100 ये पर हमारे पहले हमारे जाता है 3 पर, तो 375 ईयर ये कैंसिल होगा। आप डिवाइड कर करके देखना है आपने, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जाएगा 125 पर, और यहाँ पर ये 125 3 के टेबल में नहीं आता तो ये 5 पर जाएगा। तो 5 के टेबल में ये 25 पर कैंसिल होता है। नेक्स्ट देखो 5 5 25, देन 5 1 5। तो इसके फैक्टर्स क्या है यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 1125 के फैक्टर्स क्या बनेंगे। 2 3 है हमारे पास 2 टाइम एंड 5 है हमारे पास 3 टाइम। तो हमारे पास कितने ग्रुप बनते हैं थर्ड तीन तीन के पेयर के, तो यहाँ पर हमारे पास 3 का सिर्फ एक ही ग्रुप है। तो ये वाला क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1125 कैन नॉट बी अ ग्रुप इन ट्रिपलेट्स, ठीक है। सेम स्टेटमेंट अपने यहीं पे भी बता देनी है, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अगर ये वाला ग्रुप 3 का ग्रुप में नहीं है तो ये वाला परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट 2744, वाला पहले 2 पर जाएगा। तो 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 2 4, यहाँ पर भी 2 पर जाएगा। यहाँ पर देखो 2 6 12, यहाँ पर आएगा 2 8 16, यहाँ पर 2 6 12, ठीक है। यहाँ पर 2 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6। अब यहाँ पर 3 लास्ट डिजिट, तो 343 हमारा 3 पर कैंसिल है, तो ये 7 पर कैंसिल होता है 49 पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है 7 7 49, देन आएगा 7 1 7। ये आप अगर आपको ये से नहीं समझ आता तो आपने इसको डिवाइड करके देखना है। 2744 को पहले 2 से डिवाइड करो, अगर यहाँ पर 343 हमारा 2 पर जाए नहीं आता फिर 3 पे करना है, क्योंकि लास्ट डिजिट 3 है तो पहले 3 पर भी कर सकते हो। और हमें पता है 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के भी नहीं आएगा। इस तरीके से आप आगे आगे चेक करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हम लिखेंगे फैक्टर्स क्या है इसके, फैक्टर्स तो यहाँ पर लिखेंगे फीका ग्रुप बनते हैं, इट मीन्स ये क्या है, यहाँ पर इसके तीन तीन के यहाँ पर पेयर बनता है। इन प्राइम फैक्टराइजेशन जो की हमने उसमें तीन तीन के पेयर बनते हैं, इट मीन्स ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पर आप ये सारी स्टेटमेंट जैसे हम पीछे लिखते आ रहे हैं वैसे लिख देना, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2744 कैन बी ए ग्रुप्ड इन ट्रिपलेट्स, ठीक है। ये ग्रुप्ड है क्योंकि इट इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, क्यूब है। अभी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसके 4 ही पार्ट थे, 4 कंप्लीट होते हैं। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, हमारा जो एक्सरसाइज है 6.2 भी कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको सब अच्छे से समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।